दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट एरिया में कनेक्टिविटी पर अब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रोड्स और ब्रिजेस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में। वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट में से केवल 3 स्टेट के कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी है। लेकिन अगले 3 साल में नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स यानी कि 8 स्टेट्स के कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी केवल असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल सिटी तक रेलवे की कनेक्टिविटी है। लेकिन अगले साल यानी कि 2022 में मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल भी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जबकि मार्च 2023 तक मिजोरम की कैपिटल सिटी एजवल और नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा भी रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। और 2024 तक उम्मीद है कि मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग और सिक्किम की कैपिटल सिटी गंगटोक भी रेल कनेक्टिविटी से 2024 तक जुड़ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। अगर सभी प्रोजेक्ट को एक ही वीडियो में डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट के सभी रेलवे प्रोजेक्ट को 3-4 अलग अलग वीडियोज में डिटेल्स में देखेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बैरवी और सैरंग रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट से मिजोरम की कैपिटल सिटी एजवल तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एरिया में 1881 में पहली बार रेल पहुंची थी। सबसे पहले असम में डिब्रूगढ़ से मरघटिया तक 65 किलोमीटर का मीटर गेज बनाकर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे की शुरुआत की गई थी। जबकि अगर मिजोरम की बात करें तो वर्तमान में मिजोरम में मात्र 2 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और एकमात्र रेलवे स्टेशन है बैरवी। बैरवी को रेल से कनेक्ट करने के लिए असम के कटखल जंक्शन से मिजोरम के बैरवी तक 84 किलोमीटर का रेल लाइन 21 मार्च 2016 को कंप्लीट हुआ था। यानी कि लगभग पिछले 5 साल से मिजोरम में रेल की कनेक्टिविटी है। अब इस रेल लाइन को आगे बढ़ाकर मिजोरम में सैरंग को भी रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा। तो मोरबी सैरंग रेल लाइन प्रोजेक्ट की लेंथ है 51.38 किलोमीटर। 2384 करोड़ रुपए के एस्टिमेटेड बजट से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया है और अब इसका बजट बढ़कर 5000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। इस सेक्शन में 4 और रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और इस सेक्शन के कम्प्लीट होने के बाद मिजोरम की कैपिटल सिटी एजवल तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। वर्तमान में इस सेक्शन में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है, लगभग 70% वर्क कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि मार्च 2023 तक ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मिजोरम में एजवल तक रेलवे की कनेक्टिविटी होने के बाद भी इस रेल लाइन को आगे बढ़ाकर म्यांमार तक रेल नेटवर्क तैयार करने का भारत सरकार का प्लान है, जिससे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी जुड़ जाएगा। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट को एक और कनेक्टिविटी मिलेगी म्यांमार के रास्ते। कालादान प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिजोरम में सैरंग से इस रेल लाइन को आगे बढ़ाकर म्यांमार में जोरिनपुई को कनेक्ट करने का प्लान है। 2017 में ही इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। उसके बाद इस रेल लाइन को आगे बढ़ाकर म्यांमार में सितवे पोर्ट को भी कनेक्ट करने का प्लान है। मिजोरम को असम एवं वेस्ट बंगाल की तरफ से मेन लाइन इंडिया से कनेक्ट करने के साथ साथ कालादान प्रोजेक्ट के थ्रू भी समुन्दर एवं म्यांमार के रास्ते कनेक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है, इसीलिए सितवे पोर्ट तक रेल कनेक्टिविटी जरूरी है कालादान प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यांमार की कैपिटल सिटी इम्फाल को कनेक्ट करने वाला रेल प्रोजेक्ट जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके सजेशन दीजिए, साथ ही दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी अपडेट दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।